आई बड़ी कुछ बात हो। नमस्कार, राशिफल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिपवन शर्मा। इस पूरे हफ्ते के हॉरोस्कोप, आपकी राशि क्या कुछ कहती है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और 12 राशियां हैं, हर एक व्यक्ति की राशि जो है वो अलग होती है, लेकिन इसी बीच आपकी राशि कहती क्या है और अगर कुछ गलत है और उसका उपाय क्या कुछ करना है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब यहाँ पर आने के लिए। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वीक के लिए। और ये साप्ताहिक राशिफल मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक रहेगा। और इस पूरे सप्ताह में सब राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या कहती है सितारों की चाल, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपकी स्क्रीन पे नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर है उस पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं किसी को कोई रेमेडी बता रही हूँ, अगर मैं किसी को उपाय बता रही हूँ कोई, कि आपको जब वो आपका हॉरोस्कोप चेक करके कि आपको ये उपाय करने हैं ताकि आपको पूरे सप्ताह में बेनिफिट हो, या आपका पर्सनल हॉरोस्कोप देख करके, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फर्स्ट नंबर चल रहा है ये आप पे, इस नंबर पे आपको कॉल करनी है और कॉल करके आपको ये बताना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, उससे आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखाने के बाद टाइम ऑफ बर्थ बोलिए, और टाइम ऑफ बर्थ में AM PM बोलना बहुत जरूरी है। अगर दो ट्विंस भी होते हैं तो उनका भी अपना अपना एक हॉरोस्कोप होता है, अपना अपना एक लाइफ जीने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आपको 1 से लेकर के 250 के बीच में कोई भी नंबर बोलना है। वो नंबर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। तो आप सोच के रखें, जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग कॉल करना चाहते हैं वो लोग सोच के रखें, जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो किस तरह से 1 से लेकर के 250 के बीच में कोई भी नंबर बोलेंगे। इससे क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि ये KP एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी को हम कृष्णामूर्ति, प्रोफेसर कृष्णामूर्ति पद्धति बोलते हैं, जो कि साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है। साउथ इंडियंस जितने भी हैं वो KP पद्धति के हिसाब से अपना हॉरोस्कोप जो है उसका एनालिसिस कराते हैं। उसी के बेस पे मैं आपको कह रही हूँ कि आप 1 से लेकर के 250 के बीच में कोई भी नंबर अगर बोलते हैं तो मैं उससे भी आपकी प्रश्न कुंडली जो है वो तैयार करके आपको पूरी आपके लाइफ का जो है वो विवरण बता सकती हूँ। लेकिन आपका जो, अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ है, जिनको एग्जैक्ट पता है, तो वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ में AM PM टाइम ऑफ बर्थ में आपको जरूर बोलना है। तो आप सबके सामने जो है वो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं और उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल में हम नंबर 1 राशि की बात करेंगे, जिसको मेष राशि बोलते हैं, इसको एरीज बोलते हैं इंग्लिश में। और नाम के हिसाब से अक्षर जो हैं वो भी डिस्प्ले होते हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस नाम वाले मेष राशि के होते हैं। लेकिन मेरी जो गणना है, जो मैं आपको पूरा साप्ताहिक राशिफल बताती हूँ, वो मैं आपको चंद्र राशि के हिसाब से बताती हूँ। चंद्र राशि का मतलब हो गया कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, जिसको आप मून प्लेनेट बोलते हैं, जिसका हमारी लाइफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत नाराज होते हैं, तो ये जो चंद्रमा है ये हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। तो चंद्र राशि के हिसाब से ही मेरी सभी राशियों की गणना रहती है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक कैसा रहेगा ये सप्ताह, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2025 ही बहुत अच्छा रहने वाला है। हर एक जन्म कुंडली के हिसाब से, हर एक राशि के हिसाब से मैंने पूरे साल की गणना की है। 2025 जो है वो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात आती है फाइनेंस की, तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए एक बम्पर ईयर जिसको हम बोलेंगे ना, वो रहने वाला है। चाहे आप मूलांक की बात करें, बहुत सी चीजें आप देखते होंगे कि गणना आ रही है कि आपके मूलांक ये आ रहा है, उन सबको छोड़िए, जो गणना मैं आपको बता रही हूँ आप इसको अपनी लाइफ में अपने अजमा करके देखिए आपको इससे कितना बेनिफिट होगा और आपके लाइफ में जो उपाय, जो चीजें मैं बताती हूँ वो कितनी सटीक बैठेंगी। सबसे पहले मेष राशि के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ये सप्ताह शुरू होगा, लेकिन नई योजनाएं जो आप बनाएंगे, जो भी आप नई योजनाएं बनाएंगे, जो भी आप नई प्लानिंग्स करेंगे पूरे सप्ताह के लिए या आने वाले वर्ष के लिए 2025 के लिए, वो सब बहुत अच्छी जाने वाली हैं।
कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई भी गुड न्यूज जिसको आप कहते हैं, कोई भी गुड न्यूज, वो आपकी आपकी मैरिज एबल लाइफ में जो लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की प्रमोशन होने वाली है तो वो प्रमोशन हो जाएगी, किसी की रुका हुआ धन मिलने वाला है, ये सब चीजें जो है ये मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में नई खुशखबरियां आपकी लाइफ में ऐड होती जाएंगी। जिस जिस एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट्स की है लाइफ के उस एरिया से आपको गुड न्यूज मिलती जाएगी। सक्सेस वाला वीक कह सकते हैं हम, पैसों में बढ़ोतरी होगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे आपको, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, हर तरफ से तारीफ होगी आपकी, आपका थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, जब सब चीजें फेवरेबल है ना तो मुझे हेल्थ का पोर्शन, आपकी सेहत मुझे थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आ रही है, थकान महसूस होगी, जब आप ऑफिस में बैठेंगे तो आप बहुत एक्टिवली काम करेंगे लेकिन जब आप घर आएंगे तब तक आप बिल्कुल थक चुके होंगे, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करनी है वो थोड़ी सी मुझे वीक नजर आ रही है, तो आप उसके ऊपर इस सप्ताह में वर्क करिए और हनुमान जी के टेम्पल में जरूर जाइएगा या लाल वस्तुओं का दान करिए, नहीं कुछ आपको समझ आ रहा तो अनार का दान जो है वो आप गरीब व्यक्तियों में करिए, जो लोग मंदिर नहीं जाते वो गरीबों में दान दे, अनार को वितरित करें, जो लोग मंदिर जाते हैं वो 3 बजे के बाद से हनुमान जी को अनार का भोग जरूर लगाइएगा इस सप्ताह में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज के। टॉरस की बात कर लेते हैं, 2 नंबर की राशि है, शुक्र प्रधान राशि है जो ये वाली, और इसको हिंदी में वृषभ राशि बोलते हैं, और ये राशि भी अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर यहाँ लिखा होता है वहां पे अगर प्रेजेंट है तो ये लोग वृषभ राशि वाले होते हैं, तो वृषभ राशि वालों को ये सप्ताह में बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कि बहुत अधिक एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन आप ना यात्रा को टालेंगे, आप यात्रा को टालिए मत, यात्रा जो है जो भी आपको ऑफर्स आ रहे हैं, चाहे आपको अपने ऑफिस की तरफ से कहीं बाहर भेजा जा रहा है या आपको कोई ऐसे आपकी कोई धार्मिक यात्रा है या आप अपने किसी फैमिली फंक्शन में या कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं आप अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस सप्ताह में जितने भी करोड़ों लोग हैं वृषभ राशि के वो सब टालने की कोशिश करेंगे, बट आप टालिए मत, आप अगर किसी भी यात्रा में जाते हैं तो आपको कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा और सफलता के बहुत योग बनेंगे, और इस समय आपको यश कीर्ति भी मिलेगी और साथ में फाइनेंस आपके गुड होते हुए नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई में अच्छे अंक मिलेंगे, जो लोगों ने जिन लोगों के भी एग्जाम्स वगैरह हैं तो उनको काफी अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं जितने भी उन्होंने कोई ज्वाइन किए हुए हैं उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहा है, लाभ ही लाभ नजर आ रहा है इस सप्ताह में, लेकिन यात्रा से अधिक लाभ है, तभी मैंने वो एक लाइन में आपको डिफाइन किया कि जितने भी वृषभ राशि वाले हैं उनको यात्रा से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। और उपाय के तौर पे क्या करेंगे आप, लक्ष्मी जी को कमल के फूल अगर आपको 108 नहीं मिलते तो आप गुलाब के या तो एक गुलाब का फूल लेकर के उस पर इत्र लगा करके, गुलाब का ही इत्र लगा करके आप लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कीजिए, नहीं तो 108 फूलों की माला बना करके चढ़ाइए, और नहीं तो कमल का फूल जो है वो आप फ्राइडे के दिन, अगर हर दिन चढ़ाते हैं तो अभी ठीक है, अगर फ्राइडे के दिन चढ़ाते हैं तब भी बहुत अच्छा है, ये आपके फाइनेंसिस को ठीक करेगा, ये रेमेडी आपको पूरे सप्ताह करनी है वृषभ राशि वालों को। अब हम 3 नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों के घर में अगर सबसे पूरे सप्ताह में आपको बात करूं 25 नवंबर से लेकर के तो 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य इस तरह से हो सकता है, कोई भी आप मतलब के पूजा के रिलेटिंग कोई काम हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य जो है कोई फंक्शन भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है, मतलब कोई मांगलिक यात्रा कोई मांगलिक फंक्शन आपकी पूरी फैमिली में होने वाला है जिससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा, और विवाह तय होगा, जो भी जितने भी अनमैरिड लोग हैं ना और वो मिथुन राशि वाले हैं उनकी अगर जो लोग पहले से बातचीत चल रही है उनका मैरिज मतलब सेटल हो सकती है, जिनकी मैरिड लाइफ मतलब जो मैरिड हैं उनकी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और जिनको नए प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं, तो ओवरऑल मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है, इलायची हमेशा मुंह में रख करके जब भी आप अपने रिश्ते के लिए बात करें, इस सप्ताह की बात कर रही हूँ मैं, लाइफ भर की बात नहीं कर रही हूँ, इस सप्ताह में आप अपने मुंह में इलायची रख करके अपने नए कार्य के लिए और नई बातचीत जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात है खर्चा सोच समझ के करिएगा, जितने भी मिथुन राशि वाले लोग हैं खर्चों पे थोड़ी सी लगाम रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में मुझे आपके बहुत अधिक खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर राशि में प्रेजेंट है, या फिर जो नाम अपने अक्षर के नाम से भी देखते हैं कि हमारे मेरे नाम का पहला अक्षर ये है तो मेरी कौन सी राशि होगी, तो जिनकी भी जितने भी जेमिनाई हैं मिथुन राशि वाले हैं उन सबके साथ ऐसा होने वाला है। उपाय के तौर पे
आप तुला दान भी कर सकते हैं, लेकिन तुला दान के अलावा अगर आप रोज पालक, अभी बहुत इस टाइम पे आपको मार्केट में पालक बहुत अधिक मिल रही है क्योंकि इस टाइम उसका ग्रोइंग सीजन है, तो आप पालक के पत्ते को मसल करके जो उसमें से रस निकलेगा उसका आप तिलक करिए। ये पूरे सप्ताह की रेमेडी है आपकी। ये रेमेडी आप करके देखिए आपको कितना इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना, रिजल्ट्स आपको इसके नजर आएंगे। जितने भी मिथुन राशि वाले लोग हैं, क्योंकि ये बुध प्रधान राशि है। अब हम चार नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जो, जिनको आप कैंसेरियंस बोलते हैं, कैंसेरियंस जो है ये चंद्रमा से रूल करने वाली राशि है। चंद्रमा इसके देवता हैं, जिनको आप मून कहते हैं। तो ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी पे ट्रस्ट मत करना, बहुत जल्दी ट्रस्ट इस सप्ताह में जितने भी कंसेरियंस हैं उनका ट्रस्ट टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ट्रस्ट की बहुत प्रॉब्लम होगी, उससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा आपको धक्का लगेगा और उसकी वजह से ये पूरा सप्ताह जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि कल मंडे से आप जो है वो इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। और इमोशनली स्ट्रांग रखने का सबसे तरीका क्या होता है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखने का, सबसे पहले आप गंगा जल का उपयोग करिए और अपने पहला जो, जब आप सुबह उठते हैं जो पहला आहार है आपका, तो उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप गंगा जल की बोतल को भर के अपने बेडरूम में आप वो भी रख सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि मून लाइट में बैठना। अभी जो है वो वैक्सिंग ऑफ मून हो रहा है। वैक्सिंग ऑफ मून क्या होता है, अभी मून घट रहा है, अभी अमावस्या तिथि पास आने वाली है, तो वैक्सिंग ऑफ मून में जो है मून की इतनी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है। तो जितना आप मून लाइट में बैठेंगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेनेट हमें सबसे ज्यादा पास नजर आ रहा है, क्योंकि ये धरती का सैटेलाइट है और आप अगर अपनी जमीन से आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको चंद्रमा जो है वो सामने नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका डायरेक्ट प्रभाव है हमारी लाइफ के ऊपर। और ये अगर आपको चीज देखनी हो, आप समंदर के किनारे जब भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि फुल मून पे टाइड्स कितनी हाई होती है। इसका मतलब उसका कितना ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से जो है वो समंदर जैसे इतनी बड़ी वाटर बॉडी को जो है वो हिला के रख देती है। तो इसी तरह से चंद्रमा का हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप सभी जितने भी कर्क राशि वाले हैं वो अपने आप को स्टेबल करके रखिएगा इस सप्ताह, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और उपाय के तौर पे मैंने आपको बोला भगवान शिव पे आप जल अर्पित करिए तो आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। अब हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। पांच नंबर की राशि आती है, ये सूर्य प्रधान राशि है, सन कंट्रोल करता है इस राशि को। और इस राशि वालों के लिए ये सप्ताह 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक बहुत अच्छा कुछ मसलों में जाएगा। जैसे नौकरी में आपको यश प्राप्ति होगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, बिजनेस में आपको बेनिफिट है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो जितने भी लोग हैं आपके इस राशि में आते हैं, सिंह राशि में, उनकी मुझे हेल्थ नजर आ रही है कम, बहुत वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम, सूर्यदेव इस टाइम उन्होंने तुला राशि पर से मूव ऑन करके वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम है ये। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जितने भी आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, या आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हुए इस सप्ताह में नजर आ रहे हैं। खर्चा बहुत अधिक बढ़ रहा है, घर गाड़ी खरीद सकते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वाहन कोई बहुत बड़ा लग्जरियस गाड़ी आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। तो ऑब्वियसली खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टूटते हुए रिश्ते नजर आ रहे हैं आपके, चाहे लव लाइफ है चाहे मैरिड लाइफ है, तो रिश्तों में थोड़ी सी दरार नजर आ रही है। तो उपाय के तौर पर सूर्य को जल दें, और सूर्य को जल कभी खाली नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ डाल के जरूर दें, चाहे दो दाने चावल के ही डाल दें, दो दाने चीनी के डाल दें। तो कोई कॉलर है शायद जी? तो हमारे साथ एक कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। हम उनकी जो जन्म तिथि है और जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो टाइम ऑफ बर्थ है, वो जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सरिता शर्मा उनकी कुंडली तैयार करती है और जो भी उपाय वो जानना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब उनको बताते हैं। तो हमारे साथ कोई कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो हेलो, शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है जी? अपना नाम बताएं और अपना टाइम ऑफ बर्थ बताएं। प्रवीण कुमार बात कर रहा हूँ, और 31 अगस्त 2003 में जन्म हुआ है, सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे, रिपीट कीजिएगा नाम। डेट मुझे पता नहीं चली, डेट बताइएगा फिर से। 31 अगस्त 2003। 31 अगस्त 31 31 31। 31 अगस्त 2003। अच्छा 2003, ओके जी। नाम बताइएगा। प्रवीण कुमार। सुनील कुमार। टाइम ऑफ बर्थ क्या बोला इन्होंने? टाइम, ठीक है, टाइम बताइएगा। टाइम ऑफ बर्थ क्या बोला? सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे। मॉर्निंग 5:30 बजे, ठीक है ठीक है। आपकी कुंडली तैयार हो रही है, आपको क्या कुछ जानना है?
बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के बारे में जानना है। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, इनकी कुंडली बनके तैयार हो चुकी है। आपने नाम मैंने इनका सुना नहीं, बट आपने डेट ऑफ बर्थ इनका पूरा बताया है, टाइम ऑफ बर्थ भी आपने बता रखा है। इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके बच्चे की कुंडली है शायद, बहुत बढ़िया कुंडली है, सूर्य इनके लगन में बैठे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हैं, बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। इनकी लाइफ में एक मांगलिक है ये थोड़े से, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मंगल हमारी लाइफ में ऊर्जा का काम करता है, हमारी लाइफ में एनर्जी का काम करता है, और ये थोड़ा सा घर में आपके प्रॉब्लम है। देखिए, आपके घर का नॉर्थ खराब है, वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे नॉर्थ खराब है, और आपके घर में मैं क्या बोलूं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ये बोलिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम इस तरह से इस मंच से मैं आपसे नहीं बोल सकती हूँ। घर में आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे को बहुत एंग्जाइटी इशू है, उस इशू को सॉल्व करिए, अदरवाइज इसके भाग्य बहुत अच्छा है, ये लाइफ में बहुत अधिक ग्रो करेंगे। मैंने आपको बोल दिया कि आईएएस अधिकारी तक बन सकते हैं, बहुत बड़े नेता बनना चाहें वो बन सकते हैं, बट अगर आप जितना इनको घर से दूर रखेंगे, अगर आप अपने घर से दूर रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अधिक। कोई और क्वेश्चन है आपका? कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे बात मैं आपको बताऊं कि इनका प्रमोशन का योग है, इनको बहुत अधिक जिस फील्ड में भी आप वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में आपको प्रमोशन जरूर मिलेगी इस सप्ताह में, और ये समय बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगी, क्योंकि बुध की राशि है ये, और आपको पता है कि मरकरी जो है वो यंग प्लेनेट माना जाता है, और मरकरी को हम राजकुमार की पद्धति भी देते हैं, तो इस वक्त मरकरी की पोजिशन इस तरह से है कि कन्या राशि वालों को बहुत अधिक बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी जाने वाली है, चाहे वो नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, चाहे आप किसी केएस आईएएस जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों को प्रमोशन ड्यू है, पद उन्नति जिसको आप कहते हैं ना, जो भी जिस पोजिशन पे है कन्या राशि वाला, उसकी प्रमोशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। आय बढ़ेगी आपकी, इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट खर्चे भी अधिक होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगी वस्तुएं खो सकती हैं, कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं अपनी वस्तुओं को संभाल करके रखिए। आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज्वेलरी आपकी खो सकती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे खो सकती है, चोरी हो सकती है, कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है, इसलिए अपनी चीजों को बहुत अधिक संभाल के रखिए, कोई वस्तु चोरी हो सकती है। और उपाय के तौर पे जिनकी प्रमोशन होने वाली है, जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी तो अपने बॉस को हरी हरी मिठाई जरूर खिलाइएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और तुला दान करवाइए, ये आपके लिए उससे भी अधिक फायदा होने वाला, नहीं तो रोज एक पालक की 1 kg पालक लेकर के आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो गौशाला में जाकर के हर दिन तुला दान नहीं करा सकता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये उपाय से भी आप अपना ये रेमेडी भी आप पूरे सप्ताह कर सकते हैं। तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं जिसको लिब्रा कहा जाता है, शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ इस सप्ताह में नजर आ रहा है। जितने भी तुला राशि वाले हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अच्छी खबर नजर आ रही है इस पूरे सप्ताह में आपको सुनने को मिलेगी, चाहे आप बच्चों की तरफ से आपको सुनाई दे, आपकी फैमिली की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनाई देगी, मतलब हर तरफ से गुड न्यूज आपको मिलने वाली, कोई बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट आपको फाइनेंसिस में भी होने वाला है, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको भी ये सप्ताह तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इन नटशल में आपको बताऊं मैं, हर एरिया में तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मेडिकली अगर आपने कोई रिपोर्ट जैसे किसी कोई बहुत अधिक बीमार है उसकी रिपोर्ट अगर कहीं बाहर गई है तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी मेडिक बीमार लोग हैं, चाहे कोई बड़ी बीमारी से अगर कोई ग्रसित है, जिस तरह से कोई कैंसर पेशेंट से, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आने वाली इस सप्ताह में नजर आ रही है मुझे, खास करके तुला राशि वाले, तो जितने भी मेडिकल के अगर हम उनकी हेल्थ के एरिया को देखें तो बहुत अच्छी हेल्थ की गुड रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता को त्याग कर दीजिए, चिंता जो है ना, इतना चिंतन मत करिए कि जो कि आपके लिए चिंता भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तो आप चिंता को छोड़ दीजिए इस सप्ताह में, और ये सप्ताह में आप पिंक कलर का, हल्के पिंक कलर का रुमाल अपने पास रखिए, और वैसे वस्त्र धारण करिए तो आपको रिजल्ट्स जो है वो 100% मिलेंगे, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई वर्क एरिया में है, जिस तरह से भी है, अगर हर दिन पिंक ड्रेस नहीं पहन सकते तो रेड कलर का, लाइट पिंक कलर का रुमाल अपने पास आप रख सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि जो है वो 8 नंबर की राशि है, मंगल प्रधान राशि है ये, और ये सप्ताह 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक ये सप्ताह आपको कोई बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, अभी शेयर मार्केट तो बहुत डाउन चल रहा है,
इस टाइम मैंने आपको अगस्त महीने में ही बताया था कि अभी शेयर मार्केट में बहुत उछाल आने वाला है। अगर लोगों ने पहले मेरा ये देखा होगा प्रोग्राम, अभी भी जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो आप अभी शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। घर गाड़ी वाहन आप खरीद सकते हैं इस सप्ताह में। हो सकता है आपको कोई आपकी कहीं से बहुत मोटा पैसा आने वाला है, काफी अधिक पैसा आपके पास आने वाला है। वो आपको पता होगा कि किस नेचर की आपने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। और यश में वृद्धि नजर आ रही है, उन्नति होती हुई ये सप्ताह में नजर आ रही है। और कुछ लंबे समय से जो आपने लॉन्ग प्लानिंग्स थी आपकी, वो सक्सेसफुल होती हुई सप्ताह में नजर आ रही है। यात्रा सुखमय रहेगी, अगर कोई यात्रा के ऑफर या यात्रा करके आपको उसमें बेनिफिट है, यात्रा में सबको बेनिफिट है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस सप्ताह आप यात्रा मत कीजिए, इस सप्ताह में आप यात्रा करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, यात्रा से आपको लाभ ही होगा। और आप जो है वो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान कीजिएगा, मसूर की दाल। और मसूर की दाल जो है 1 kg से ऊपर होनी चाहिए, चाहे आप 10 grams ऊपर लें या 20 grams ऊपर लें, बट 1 kg से ऊपर होने लिए। चाहे आप गरीबों को दान दें, चाहे आप किसी हनुमान जी के टेम्पल में करिए, मसूर की दाल का दान इस सप्ताह में जरूर करिएगा। और धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे समय चल रहा है इस सप्ताह में। और ये समय आपके लिए प्रोग्रेस वाला समय है। लॉन्ग टाइम से आपको जो है वो कुछ पेंडिंग आपके माइंड में बहुत से प्लान्स थे, वो इस सप्ताह में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वैसे पुराने स्वास्थ्य के जितने भी इश्यूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप फील गुड आपको इस टाइम पे होगा। और ये समय बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए भी, ये समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे, जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं वो एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है वो लोग जॉब में भी सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोशन आपकी नजर आ रही है इस सप्ताह में। तो अब हम मकर राशि की बात कर लेते हैं। 10 नंबर की ये राशि है जिसको कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। न्यू प्लानिंग्स जो हैं वो आप इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता का त्याग करिए, और जो है वो चिंताएं जो हैं आपको बहुत रहेंगी, क्योंकि शनि इस टाइम पे साठ-सती चल रही है मकर राशि वालों पे। तो चिंता का त्याग करिए और बहुत सी फिजूल की चिंता जो है वो इस सप्ताह में छोड़ दीजिए। बाकी सब बहुत अच्छा है। पीपल के पेड़ के नीचे आप शनि मतलब दिया जलाइए, नहीं तो शनिवार के दिन पे आप तेल का दान किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपको पता है कि शनि देव इस टाइम कुंभ राशि में ही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अभी वो डायरेक्ट हुए हैं, मीन सीधा चलना शुरू हुए हैं। तो इस राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक उपाय के तौर पर आप जो है माश की दाल, जो ब्लैक कलर की दाल आती है, वो जरूर गरीबों में वितरित करिए ये सप्ताह को बहुत अच्छा बनाने के लिए। मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाला है, मांगलिक कोई भी बात हो सकती है, किसी का शादी विवाह, कुछ भी मांगलिक कार्य जो है आपके घर में होने वाला है। दोस्तों से आपको बहुत लाभ है, जो मीन राशि वाले हैं उनको अपने दोस्तों से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं और दोस्तों के साथ ये सप्ताह बिताते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं। और बेसन की मिठाई का दान जरूर करिएगा। अगर आप बेसन की मिठाई वितरित करते हैं गरीब बच्चों में, या किसी अनाथालय आश्रम में जाकर के आप गरीब बच्चों को ना बुक्स, अगर आप नोटबुक्स आप वितरित करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले सप्ताह के लिए फिर से हम मैं आपसे साप्ताहिक राशिफल लेकर के आऊंगी और पूरे सप्ताह का विवरण आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर सरिता शर्मा जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने की 12 राशियों के बारे में आपको तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरीके का आपका 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का सप्ताह रहने वाला है। तो अगले रविवार 3:30 बजे गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।